जब टीटी आपके पास आ जाए, आपके पास कोई कंफर्मेशन ना हो, पर कैसे लुक लुक करती है आपकी? भाग के चलना, इतना टाइम थोड़ी ना है अपने पास। आ जा। Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jumbo. If you are new to the channel, please take a moment to hit the subscribe button and mention सारे आनु जैसी शाम। बहुत सही जगह था जैसी शाम। तो गलती अफोर्ड कर नहीं सकते, ऊपर से गलती करवा दी। जल्दी आ जा। मजुमा 3 दिन हुआ तुम जाते हुए। क्या करियो, क्या कर रही करियो? नहीं करियो, कर कर बस। अंडरवर्ल्ड में धुधू हो जाएगी तेरी, तेरे ज़्यादा बॉडी। मुझे पता नहीं धुधू हो गई, तेरी बॉडी तो है नहीं। चलो, कितनी बड़ी गलती करवाने वाली थी वे बेवकूफ। सही दिमाग खुल के, नहीं तो उल्टा चले जाता, फिर नहीं आ पाते। 7:35 की ट्रेन है, 7 बजे तो कश्मीरी गेट पे है। 6:58 हो रहे हैं। देखियो क्या ही होगा, लाइन भी हो गया। चल राइट साइड, राइट राइट, यहाँ तो बहुत भीड़ होगी। भाग के चलना, इतना टाइम थोड़ी ना है अपने पास। आ जा। ये तो जिम जाने का क्या ही फायदा होगा, जल्दी चल भागा तेरे से जाने जा। सही टाइम पर आके खोलिए, लेकिन आके जल्दी पहुँच जाना जा। तू भी कर, तू कर पाएगी नहीं कर पाएगी? तू नहीं कर। तुम बड़ा फाइनली पहुंच गई। यस, आई एम एट माय प्लेस। मतलब कितने टाइम से प्लान कर रहे हैं और आज पहुंचे। क्या कह रही है? बहुत सारी चीजें हो गई है। क्या यार, मैं ये सोच रहा था, मम्मी कह रही थी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा रात को 12 बजे, कैसे जाओगे कैसे जाओगे? और देख यहां तो जगराता चल रहा है भाई, भीड़ देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल। आप पहले इसको बिहारी को कुछ खिला दे, इसके बाद देखते हैं कुछ। आ जा। अब क्या कर रही है मटो? साढ़े बारह बच चुके हैं भाई, यानी रात को भी पहले चाय पिए, उसके बाद नहीं जाएगी, वरना नींद नहीं आने वाली। मेरे को भी चाय की चुस्की जिंदगी आगे बढ़ा रही है ना, जल्दी जल्दी ऑफिस से भगी आई थी मैंने। कहाँ से? ऑफिस से भगी आई मैं यहाँ डायरेक्ट ना, तो इसलिए चाय नहीं पी 4 बजे वाली, मैं सो रही थी, 12:30 बजे पीनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी स्टोरी बताऊँगा कि ट्रेन में टिकट कन्फर्म कैसे मिले जबकि आपके पास कोई रिजर्वेशन ना हो, और जब टीटी आपके पास आ जाए, आपके पास कोई कंफर्मेशन ना हो, और कैसे लुक लुक करती है आपकी? इसके बारे में एक स्पेशल ब्लॉग जाओगे तो वो भी बना के देंगे, लेकिन ब्लॉग का एंड तक देखना ताकि पता चल सके। इसलिए बता रहा हूँ अपनी खुशी और इसकी खुशी, बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ यहाँ पहुँच के। भाई साहब जिद थी जिद, और मेरा ये था कि हम लोग ना अपनी गाड़ी से पहले आए हैं तो, और ट्रैवल ट्रेन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट टाइम ना। मतलब यहाँ का रिंगस का थोड़ा सीन ये था कि स्टेशन ये एक ही है और यहाँ पर ट्रेन बहुत कम आती है, कम आती है, और भर के आती है जब भी आती है। मैंने ऐसा सुना था कि बिल्कुल आपको जगह नहीं मिलेगी, चाहे आप रिजर्वेशन में चले जाओ किसी में चले जाओ, लेकिन अपन लेट क्या है विदाउट रिजर्वेशन, और वो भी बाबा की दुआ से मजा आ गया ना। टिकट खरीदी थी हमने एंड टाइम पे, सब कुछ हुआ, सब कुछ बताऊंगी मैं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद इस ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो कोई बात ही, दोबारा देखना पड़ेगा। जय श्री श्याम भाई, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। अब हम वैसे रात को 2:30 बजे कितने सोए थे हम? 2:30-3 बजे के आसपास, और सुबह 8 बजे दोबारा दर्शन के लिए। हाँ, अब जाए हम दर्शन। सीन तो अब हाँ, ट्रेन वाली बात भाई क्या हुआ, हमने प्लान नहीं किया था कि हमें ट्रेन में जाना है, और दूसरी चीज ये कि टिकट तुमने पहले परचेज ही नहीं करी थी। हमने सोचा था एक बार जाके देख लेंगे, टिकट काउंटर से परचेज कर लेंगे, क्योंकि हमने महाकाल की तो ऐसी खरीदी थी जब कैंसिल हो गई थी। हाँ, बट हमारा यहाँ पे ये हुआ, मतलब कि हमने सोचा कि हम अंदर जाते हैं, और 7:35 पे ट्रेन चलनी थी, और हम 7:30 पे पहुँचे, 5 मिनट थे, टीटी खड़ा था, हमने उनसे बोला कि भैया टिकट के, उन्होंने बोला काउंटर से मिलेगी नहीं तो ऐसे ले लो। उसने फिर हमसे मांगे जो 200 की टिकट थी, उनने मांगा कर रखा था 600 बोला ना पर पर्सन पहले। हाँ, 600 पर, बस से चले जाए अंदर स्लीपर में आराम से होके। लेकिन उसके बाद वो कह रहा चलो ठीक है 300 पर पर्सन दो, लेकिन वहाँ सीन ये हुआ ना, आई कार्ड तो मैंने लगा, लेकिन उसने हमें कोई भी, हमें ना कोई प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ ना ही कोई टिकट दी। हमने कहा भाई कोई पूछेगा तो क्या करना है, कह रहा पूरी ट्रेन में हम ही होंगे और कोई होगा ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम लोग जाके बैठ गए,
और जब हम जाके बैठ गए 6 मतलब उन्होंने जो हमें सीट कोच दिया था पूरी स्लीपर ही पकड़ा दी थी हाथ में और हम जाके बस बैठ गए वहाँ पे। हमने भी बता दिया कि पैसे दिए बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, उसने कुछ कैश पेमेंट लिया था ऑनलाइन लेने के, और हमारे पास 5 मिनट थे डिसीजन लेने के, तो मैं ले लिया बाबा के नाम पे, मैंने बाबा के नाम लिया और आ गए यार तुम लोग करना मत ऐसे, बट हमने स्टिल ले लिया। हम जाके बैठ गए, थोड़ी देर में आता है दूसरा टीटी, मुझे लगा वही आएगा तो उसको पता होगा, लेकिन वो आ गया दूसरा बंदा भाई कसम से। उस टाइम पे जो बेइज्जती हुई थी ना, मतलब वो पीछे वाले उसमें था बर्थ में था और मुझे ना डर इसकी शक्ल तो बहुत गंदी हो गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई थी कि जो बंदा बैठा हुआ था ना उसको हमने उठाया था उस सीट पे से, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो सीट हमारी है, बट फिर भी हमने तो पेमेंट दी थी बाबा के, नियत हमारी साफ थी, हमने 300 रुपए पर पर्सन दिए थे, हमारी नियत साफ थी उसको लेके, बट द थिंग इज हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था कि हाँ ये सीट हमारी, हम किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते थे, बस हमें पता था कि हमने पैसा दिया। बट थोड़ी देर में वो भैया आते हैं, उनने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, उनने बोला कि ओहो दोनों बैठे हैं ठीक, कह रहे दोनों बैठे, मैंने कहा इस बंदे ने तो हमें जाना भी नहीं देखा भी नहीं, वो इनकी इंटरनल सेटिंग होती है ना जिसमें उसने हमें व्हाट्सएप ग्रुप था कि हाँ हमने कमा लिए 600 रुपए जो भी है, नहीं ऐसा नहीं था यार, वो जो वो वैकेंट चार्ट आता है ना उसके अकॉर्डिंग हाँ, उसमें वो 33 बंदा आया नहीं था, बुक लिख दिया था उसने हाँ। वैकेंट चार्ट में, क्योंकि जब हम बैठ गए थे उस पे लिखा आ रहा था सराय रोहिल्ला से कोई बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना। और सबसे बड़ी बात पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जीत गए, सबसे बड़ी बात हम जब वहाँ पे जाके बैठे थे सीट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमने वैकेंट बर्थ चेक कर लिया था, हमारे पास ये सब डिटेल्स थी पहले बता दो, कभी भी पेमेंट और किसी को दे रहे हो भाई साहब प्रूफ ले लो ना, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी बाबा का साथ था, क्योंकि सच्चे मन से गए थे तो, पर सामने वाले का क्या होगा कुछ नहीं पता भाई हाँ, अगर कोई और तीसरा चौथा पांचवा बंदा होता और वो लेके भाग चुका होता पैसे तो कार्यक्रम हो जाता, तो फिर हमें शायद खाटू की जगह पर हम जेल में होते। यहीं से घुस ले मोटे, यहीं से ले ले, कान में मत चलो, बोल खाटू नरेश की फाइनली। अब शायद हम कैमरा बंद करते हैं, अंदर जाने क्योंकि दर्शन करना यार इतनी दूर से आए हैं, तो जिसको अपनी विशेष मांगे हैं मांग लेना कमेंट सेक्शन में, अच्छी विशेष मांगो जरूर पूरी करेंगे। यार वो लोगों को एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, जो तुम फूल चढ़ा रहे हो ना फेंक फेंक के वो नहीं यार हाँ, क्योंकि बाबा के हम दर्शन इतने अच्छे कर दिए, मतलब पहले दूर था अब एकदम पास से, मतलब क्लियरली आप देख सकते हो, ढूंढने नहीं पड़ रहे बाबा तुमको कह रहे रुक जा मैं देख लूंगा तू टेंशन मत ले, लेकिन हाँ लोगों फूल नहीं फेंकना भाई, परेशान ऐसे करके फेंक रहे सोच रहे बाबा को चढ़ जाए, मतलब ये कॉम्पिटिशन चल रहा है शीशे के पार गिर जाए मेरा फूल, अब भाई तुम इच्छा से लाओ भाव से लाओ पहुँच जाओ। और सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ठीक है पूजा पाठ करना जरूरी है, वो अंदर कुछ भी मत लेके जाओ, जैसे कि मंदिर में भी लिखा है कुछ मत खरीदो कुछ मत करो, क्योंकि क्या होता है नजर ही होगी, इससे बढ़िया दर्शन करो पहले चुपचाप, दर्शन जो हमने किया दर्शन करो प्रसाद घर में लाओ पाठ करो और थोड़ा बहुत जो है किसी को खिला पिला देंगे बस, तो अब चल रहे क्योंकि हमारे पास खाने पीने के पैसे खत्म, पहले चल रहे ATM ठीक है कैश करो, तो पैसे खत्म हुए भाई ATM से कैश ही निकलेगा और क्या निकलेगा, मेरे तो रुपए खत्म, तेरे को पैसे ही हो सकते हैं मेरे पास रुपए हैं रुपए, तू चली जा ATM मेरे पास जा, मैं नहीं जा सकती। जय श्री श्याम, फर्स्ट टाइम जा रहे बेटे तू, एक कहेगी बेटे डुबकी मारेगी, पैंट ली तो नहीं होगी ना, अरे हाँ, तो श्री श्याम मुझे तो डर लग रहा था यार, सही है यार पानी की कम है पानी भाई हाँ कम है, तू भी महाराज यहाँ पे आते हो मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए, लेकिन अब तक टिल नाउ भाई अब तक मैं डुबकी नहीं लगाई कुंड में, आज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि निकलना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे बोले तू तो लगाएगा कुंड डुबकी नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग मान्यता ये कर रहे हैं कि जो जिसको अपने आप कर रहा है ना बाबा मत्था टिकवा रहे हैं, बी पॉजिटिव इतना कॉन्फिडेंस है, हम मगी राम राम देने बाबा से, हाँ हम मगी राम राम रह गए उनको करने जा रहे हैं बाबा दोबारा, अरे इतनी दूर आए एक बार दर्शन और तो बनते हैं, जाने से पहले एक बार डुब खा के जाएंगे, बिल्कुल चल चलो भाई वन मोर टाइम, बोल चीज के दानी की, सो बाय बाय बाबा दोबारा आएंगे हम आपके बुलावे पे।
खाना कैसा है पे? बहुत बढ़िया, अनलिमिटेड फूड, 100 रुपीज़ दो बंदों के लिए सिंपल सलाह देगा भाई। हमने 100 रुपीज़ की थाली ली है पर रोटी उसमें लिमिटेड आई है, लेकिन चावल भरवाते रहो। ये बिल्कुल तोरण द्वार से अंदर घुसो, आते ही आपको राइट हैंड साइड पेट्रोल पंप के पास दिख जाएगा, वो भी एसी वाला। चिट्टू भाई कैसे है तुम्हारी चटनी? बहुत अच्छी, बोलने की हालत नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। फटफट सेवा, यहाँ कुछ जुगाड़ बोलते हैं, मैं कुछ और बोलता है यहाँ पर मुझे। बाहर से आती है यहाँ से रिक्शा, उसमें नहीं बैठा तो उसमें हवा नहीं लगता। ई रिक्शा खुला हुआ आराम से भाई, बस देखेंगे वापस अपनी नगरी जा रहे हैं। भाई ऐसे एसी के अंदर लेट के कसम से धूप में आगे ऐसा लग रहा है बर्फ की भट्टी पर डाल दिया किसी ने। जाते वक्त आई है भाई नया साधन मिल गया अपन को, सीधा रिंग स्टेट बस मिलती है। कहाँ के लिए? दिल्ली में। कहाँ तारीख से? हाँ करो, क्या पहलना है अब? समझने में टाइम खराब नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी, मैं आधे घंटे का टाइम दिया था। थाली? थाली नहीं दे रही, पिज़्ज़ा दे रही। ये बहुत, अब 75 तो ख़त्म हो ही गया है। फ्रेंच फ्राइज खा ली। मुझे दिखा यार ऑप्शंस तू। अब बोल क्या कह रही है? मेरी आँख लग गई थी और जब हम बस हमने जिससे ली थी ना उन्होंने बताया था कि स्टॉप नहीं हुआ, कोई नॉन स्टॉप चल रही है। दिमाग खराब है, मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम है कि मुझे सुन बहुत आता है, मैंने कब बैठ जाओ क्या ही कर सकते हैं। मैं बहुत देर नींद हुई थी, अचानक से ना बस रुकी और बस उसने उस समय अनाउंसमेंट नहीं गई थी, बस ये बोला था देख लो यहाँ पर ढाबा पर रुकनी वॉशरूम जाने के लिए। मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ओए उतर नीचे पूछ कर, बोल रहे कि आधे घंटे के लिए। जैसे उन्होंने बोला ना कि आधे घंटे के लिए गया, मैं तो आई था सबसे पहले तो दिन हो गया ही, सच में मुझे वॉशरूम आ गया, सपने में ना वॉशरूम दिख रहा था। चाय की शुरुआत हो गई हमारी है 4 बजने से पहले पहले, अगर हमें चाय ना मिले तो हम पागल हो जाते हैं। बस वाले ने रोकी, सबसे पहले मैं भाग ली वॉशरूम, उसके बाद अब हमारी है चाय की बारी, तो चीयर्स हो जाए। मैं पहली बार ऐसे कप में पीऊँगी चाय, कप नहीं है। चीयर्स। अच्छी है, खा तो ज़्यादा लिया हमने, ओवर ईटिंग कर ली और बस मैं बैठा हूँ ऊपर वाले मान लेते हैं। सतमोला ले लेंगे, तुम्हें सतमोला ली थी ना? नहीं मेरी बात घर ले भी जाएगी क्यों, देख नहीं ली फिर सो गए थे हम लोग, भैड़ी सी नींद। पान बनवा लूँ एक? पागल हो गए क्या? हो गया तम्बाकू वाला बनवा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। अब चल रहे हैं एसी में, इतना एसी तो इसमें भी देनी तुम्हारी बस में चल रहा है। अभी रुक जाओ ना, आना एक पान तो मांग लो, पागल है मीठा पानी है, पागल है। चिंटू भाई, चिंटू भाई अंदर घुस के पता नहीं क्या क्या इशारे कर रही है, पागल हो गई है क्या है? बेवकूफ, मैंने इसे अपने पूरे पैसे दिए इसको, लेकिन वाईफाई के बारे में पूछा नहीं अभी, अब देखते हैं स्पीड कैसी आएगी, चेक कर लेंगे एक बार वाईफाई का, वाईफाई तो जरूर आएंगे। और छोटे कैसा लग रहा है? चिंटू ब्रदर्स भाई एसी में ठंड लग रही है, सर दो बात टू बी ऑनेस्ट, ये एसी तो मुंह पे चल रहा है। ये छोटा सा फार्म हाउस ले रखा है हमने 2 BHK। बैठे बैठे फट के चार हो गई है, ये इन्हें टी बन गया मेरी बॉडी का, डेनी एस बन गया मेरी बॉडी का, लेकिन गुड़गांव ये दिल्ली नहीं आके दे रहा है। बट गुड़गांव तो आ गया, गुड़गांव तो आ गया, दो दिन में जितना टाइम मुझे गुड़गांव जयपुर से दिल्ली आने में लगा लगा रहा, गुड़गांव आने में इतना ही गुड़गांव से दिल्ली आने में लगा, तो ट्रैफिक तगड़ा होगा, ट्रैफिक तगड़ा है, लेकिन सीट में यार अच्छा। फाइनली दिल्ली तो नहीं गुड़गांव में, मतलब बोल रहा हूँ अच्छा हुआ यहाँ उतर गया, वरना करोल बाग जाने में ना बस हमारी करोल बाग थी, लेकिन हमें जो ट्रैफिक मिलेगा ना मंडे है दिमाग खराब हो जाता है, मुझे मुझे मेट्रो की तरह से पता नहीं क्योंकि हमेशा स्कूटी या गाड़ी में रहा, हम डाउन टू अर्थ है, हम तो भाग रही है खाली है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और डू नॉट स्टॉप अंटिल यू टच द स्काई, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।